गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट को लेकर कहा कि रोशनी एक्ट कांग्रेस की ओर से दिया गया अभिशाप है, इसकी आड़ में करोड़ों रुपए की जमीन हड़प ली गई। उन्होंने कहा, रोशनी एक्ट के तहत कश्मीर की जमीन हड़पने वाले मध्य प्रदेश के नागरिकों की सरकार मदद करेगी। लव जिहाद को लेकर उन्होंने कहा कि लव जिहाद कानून को चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने अघोषित पैसे के दिल्ली भेजने को लेकर कहा कि इस अघोषित पैसे की राशि 106 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ पार चली गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कुछ लोगों ने आतंकवाद से मिलकर रोशनी के नाम पर कश्मीर में अंधेरा फैलाया। रोशनी एक्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया एक अभिशाप है। कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता था, इसे नर्क बनाने की नापाक कोशिश की गई। उन्होंने कहा, अगर किसी भी नागरिक की रोशनी एक्ट के तहत उनकी जमीन हड़पी है तो गृह मंत्रालय को जानकारी दें और वे केंद्र से आग्रह करके उन्हें न्याय मिले। लव जिहाद को लेकर उन्होंने कहा, इस पर जल्द ही कठोर कानून बनेगा। लॉकडाउन को लेकर नरोत्तम ने कहा कि लॉकडाउन का कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। किसान भाई निश्चिंत रहें, मंडियों में अफवाहों की वजह से भीड़ लगने लगी है, पर लॉकडाउन नहीं लगेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह पर उन्होंने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर उन्हें बुला लिया गया और हद तो अब हो रही है कि जिला कांग्रेस के लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस के द्वारा पैदा किया गया एक विषाद है, कुछ लोगों ने आतंकवाद से मिलकर रोशनी के नाम पर कश्मीर जैसे प्रदेश में अंधेरा फैलाया। स्वर्ग कहा जाता था, उसे नरक बनाने की एक नापाक कोशिश की, और इसलिए जो निर्वासित उस समय के मध्य प्रदेश में हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि रोशनी एक्ट के तहत अगर उनकी जमीन को भी किसी ने हड़पा है तो वो गृह मंत्रालय को उसकी विस्तृत जानकारी दें। हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि उनको न्याय मिले। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं लॉकडाउन का। मैंने पूर्व में भी कहा था कि लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हमारे किसानों के बीच में किन्हीं ने ये भ्रम फैला दिया है, जिससे मंडियों में आवक बहुत ज्यादा हो गई है। सब धैर्य से रहें, एक एक दाना खरीदा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, कोई लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं है। कोई भी भ्रम की स्थिति न रहे, न कोई भय की स्थिति रहे, अभी लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय कमलनाथ जी से निवेदन है कि राजनीति के स्तर को इतने नीचे नहीं ले जाना चाहिए, जिसको लोग ब्लो द बेल्ट कहें। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह, और हद तो देखो, एक जिले ने निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। लगातार उनकी उपेक्षा जो की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का कह के बुला लिया यहाँ पर और फिर उपेक्षित सा लौटा दिया उन्हें। एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, इतने सीनियर हैं, हम 90 में एक साथ जीत के आए थे, तब से हमारा उनका साथ है। कांग्रेस के लोग ये जो व्यवहार लगातार कर रहे हैं उनके साथ, विभागों के बंटवारे में आप देखो क्या स्थिति कर दी थी विभागों में, उस सर्वाधिक सीनियर व्यक्ति को सर्वाधिक वैसे विभाग दे दिए, नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया, अब जिला यूनिट निलंबन का प्रस्ताव पर हद है माने किसी चीज की। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक,
ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।